23 वर्षों से हम लोग रोजगार की गुहार हर एक सरकार से लगाए जा रहे थे कि एंटिटी को रोजगार दिया जाए। किसी न किसी तरह से जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे एंटिटी कक्षाएं शुरू की जाएं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि हमारे हिमाचल में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो गई हैं। तो इसी के तहत हम लोग ये चाहते हैं कि जो प्री प्राइमरी कक्षाएं राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में चल रही हैं उसमें हमें रोज़गार दिया जाए और हमारी स्थायी भर्तियाँ की जाएँ। इतने वर्षों का इंतज़ार था, लड़कियां जो हैं 45 से एज कईयों की निकल गई है क्योंकि 23 सालों से लड़कियां लड़ रही हैं कि हमें रोज़गार दिया जाए, इसलिए हमें आयु सीमा में भी छूट दी जाए और बैच वाइज हमारी भर्ती की जाए। हम अपने सीएमजी से यही हमारी गुहार है कि हम लोगों को स्थायी रोज़गार दिया जाए। इतने वर्षों से हमारा जो पीछे जो बीत गया समय वो अंधकारमय रहा, लेकिन जो हमारा भविष्य है वो अंधकारमय ना रहे, इसलिए आप हमारे भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए हमें स्थायी रोज़गार दें। हमें नियुक्ति जो है अस्थायी तौर पे दी जा रही है, तो हमें अपनी नियुक्तियाँ स्थायी तौर पे चाहिए और हमारे R&P रूल बनाए जाए और हमें आयु सीमा में भी छूट दी जाए। और मैं मतलब बार बार यही कहना चाहती हूँ कि बैच वाइज भर्तियाँ की जाए और हमारी आयु सीमा में छूट दी जाए और R&P रूल सबसे मेन है, हमारे R&P रूल के तहत हमारी भर्तियाँ।